माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार रवि नायक और जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है कर्नाटका मैटर में, तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर सांसद या विधायक का एक्शन से ये साबित होता है कि इन्होंने पार्टी के खिलाफ एक्शन लिए हुए हैं, कार्य किए हुए हैं, 21A लगता है, तो हम लोग ने 16 पिटिशन्स फाइल की, उसमें स्पीकर साहब ने नोटिसेस इश्यू किए हैं, वो कल हियरिंग के लिए लगेगा। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मीडिया में और अन्य जो स्प्लिट का इश्यू था, स्प्लिट को पता है, आज तक ये जो 30 या 40 जो भी गए हुए हैं, अभी तक इनका कोई पार्टी में मर्जर नहीं हुआ है, तो इसीलिए तो आज के हालत में ये पता चला है कि ये बात है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोड दिया गया है, कोई अनऑथोराइज्ड ईमेल एड्रेस, क्योंकि सारे विधायकों का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होता है, तो इन्होंने कोई अन्य ईमेल एड्रेस, रैंडम ईमेल एड्रेस से कोई एक चिट्ठी भेजी हुई थी और वो कोई मेंबर वहां पे, कोई विधायक वहां पे आके स्पीकर साहब को नहीं दी उन्होंने, कोई कुरियर के माध्यम से उनको दिया गया। तो स्पीकर साहब ने, हम लोग को जो पता चला है आपके माध्यम से, कि ये है कि स्पीकर साहब बोलते हैं कि जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं कि ये जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, मैं इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हूं, और उन्होंने वो रिजेक्ट कर दिया है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नो इम्पेडिमेंट इन द डिस्क्वालिफिकेशन पिटिशंस बीइंग कैरिड फॉरवर्ड। और तीसरी बात इसमें यह है कि जब तक असेंबली सेशन में नहीं है तो ये कोई नोटिस ये देते नो कॉन्फिडेंस का इन लॉ इसका कोई मायना नहीं रखता। दैट्स ऑल आई हैव टू से।